अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये गाड़ी मेरे पास भाई लेके आए खैबर। इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि ये गाड़ी ना स्लो में होका ले रही है, फ्यूल ज़्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, ये पावर जेट की सिलाई किसी ने नहीं लगाई है, काफ़ी पैसे खर्च किए हैं भाई ने। ये भी लगाया है, ये नीडल वाल भी चेंज की है, गाड़ी थोड़ा सा ब्लैक स्मोक भी दे रही है। ये कार्पेट पहले भी हुआ है, किसी से फिर कराया, ये डेटें लिखी हुई ऊपर जिसने भी किया है। ये मिक्सचर भी देखे, बटरफ्लैक भी नहीं लगी हुई। ठीक है, सारे काम कराने के बावजूद भी कार्पेट सेट नहीं हुआ। अभी ये पावर जेट ना, जो ये पावर जेट इसको बोलते हैं, ये पावर जेट की सिलाई है। ये सिलाई भी पूरी किसी ने छोटी की हुई है। ये सारी सेटिंग करेंगे, ये पावर जेट भी खोल दें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इसका छोटा जेट जो है ना, वो 90 का होता है। ठीक है, बड़ा जेट 190 का, 119 नंबर का आता है इसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा जेट आप थोड़े पॉइंट छोटा भी लगा सकते हैं, ये ख्याल रखें। अभी ये मैं जेट खोलने लगा हूँ, इसका देखते हैं क्या सूरत है। ये देखें, ये जेट का नंबर है 95, नज़र आ रहा है आपको, ये जेट बड़ा लगा 95 नंबर। क्यों लगाना पड़ा है, ये बड़ा लगा, ये जेट जो है, ये देखिए लो जी, ये जेट बंद किया हुआ है। ठीक है, ये कार्पेट हुआ हुआ है। ठीक है, ये जेट ही बंद किया है मैंने। कल निसान सनी की है, उसकी वीडियो नहीं डाली मैंने, वो गाड़ी का भी जेट बंद था, वो भी किसी मशहूर बंदे से करवाया था मजंग से। ये देखिए, ये भी जेट बंद है, ये जेट बंद नहीं करते। इसको बंद करेंगे तो आप कभी भी मोटरवे पे जाएंगे तो आपकी गाड़ी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, आपका इंजन बहुत ज़ोर लगाएगा, सही नहीं होना। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। ये वाला ऊपर का कैमरा ज़रा, ये वाली पावर जेट को इसको बोलते हैं पावर जेट, इसके अंदर ये लगा हुआ है। ये जैसे ही आप पुश करेंगे इसको, इधर से पुश करेंगे आप, ये सिलाई पुश करेगी इसको, इधर से पुश करेगी, ये इसका तरीका कार है। ये इसके ऊपर आई, इधर ये देख रहे हैं, ये इसको पुश करेगी, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप एक्सीलेटर देंगे, ये इस सुराख की मदद से, ये वैक्यूम वाला, ये वाला सुराख देख रहे हैं हम, ये वाला सुराख, ये वाला इधर, ये वाला देख रहे हैं हम सुराख, ये वाला। ठीक है, इधर नीचे देखें, ये सुराख इसके अंदर, बोल्ट के अंदर सुराख है। जैसे ही हाई की बटरफ्लैक खुलेगी ना, ये इधर से सक करेगा, ये इस पावर जेट की सिलाई को बंद कर देगा, इसको बंद करेगा और इसके अंदर से फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। ये वाल ऐसे, अगर ऐसे काम कर रहा है स्लो में, ये बंद हो जाएगा। इसके अंदर ये जो जेट लगा हुआ है, ये जेट 50 का लगा है, 50 नंबर का जेट है, इससे फ्यूल जाना बंद हो जाएगा हाई पे। 50 नंबर का ये जेट लगा हुआ है। ठीक है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई आपको बताएगा इंशाल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला की मेहरबानी से, उसके फजल से इस गाड़ी का रिज़ल्ट निकाल के देंगे। ये गाड़ी पहले मैंने आज से साल डेढ़ साल पहले सेट करके दी थी, इसने किसी बंदे से खुलवाई है, कारपेट करवाया है, डेटें शेटें लिखी हुई हैं, गाड़ी सही नहीं फिर मेरे पास है। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके करके देंगे गाड़ी, इनको सारी सफाई करते हैं, ये सुराख सारे खुलेंगे, ये वाले ये देखें, कारपेट की मुकम्मल सर्विस करने के बाद फिर भाई को गाड़ी देंगे, जेट इसका चेंज करेंगे, दूसरा दोनों जेट नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह, गाड़ी मुकम्मल करके फिर आपको ट्राई दिलवाते हैं कस्टमर को। गाड़ी के ये वाले दोनों जेट मैंने बदल दिए, ये देखो एक जेट बंद ही, ये वाला, ये दूसरा जेट काफ़ी सुराख बड़ा है इसका, ये भी चेंज कर दिया 95 वाला। ठीक है, इसकी सिलाई भी मैंने ठीक कर दी, ये वाली। ठीक है, अभी इसका ये वाला लीवर भी देख रहे हैं ना, ये वाला लीवर, ये भी ठीक करना है, ये वाला, ये इसको बेंड होता है, ये लीवर बेंड होगा, ये इसको खोलेगा हाई की बटन। पूरा कारपेट दोनों जेट चेंज कर दें, ये पावर जेट फिटिंग कर दें, मुकम्मल कर रहा हूँ अभी, सेटिंग फिटिंग करने लगा हूँ, ये अभी मुकम्मल करके फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सारे फॉल्ट मैंने इंशाल्लाह निकाल दी, इसके हर चीज़ चेक कर ली, जेट दोनों गलत लगे हुए थे, हाई की बटन बंद की हुई है, वो छोटे मोटे सारी चीज़ें ऑन करके ना इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से स्टार्ट करके गाड़ी चेक कराते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके, ये माशाल्लाह कारपेट फिट कर दिया, इसके प्लग की हालत देखें आप, प्लग ब्लैक स्मोक छोड़ी, ये ब्लैक प्लग है,
ये साफ करके लगाते हैं, ये दूसरा प्लग भी साफ कर रहे हैं, ये देखिए इसी गाड़ी का ये प्लग खोला, और ये प्लग साफ करके ले गया। सेटिंग टेबल भी खोल दें इसके, देख लें इसके प्लगों की हालत देख रहे, फुल ब्लैक प्लग है, ठीक है। ये भी देख लें, ये तीनों प्लग ब्लैक है, ये तीनों प्लग इसके देखने ब्लैक है फुल, ये देखें कलर सफाई करते हैं। ये प्लगों की गेज ही बड़ी कम की है, गेज ही पूरी नहीं है, गेज ही अंदर नहीं जा रही, गेज ही पूरी नहीं कर रहा, गेज भी ठीक नहीं। देख लें इसका ना, ये इंजन काला देख रहे हैं, ये मो गाड़ी पेट्रोल जब खाएगी ना काला, तो इंजन काला हो जाएगा आपका, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं रिप्ले भी नहीं है। तो मैं टैपर थोड़ी सी खैपर के अंदर आवाज़ आती है थोड़ी सी, ये बहुत ज़्यादा इसके टैपर टाइट की है, आप टायर रखेंगे तो आपकी गाड़ी का रिजल्ट ही नहीं निकलना, साउंड भी ठीक नहीं होना। ये भी टैपर बंद है पूरे, इसके अंदर गेज नहीं जा रही, फुल बंद है, माशाल्लाह। ये गाड़ी में कंबल है, स्मूथ है, स्टील है, ज़बरदस्त साउंड है, ये भाई ने ट्राई कर ली सर जी ने, गाड़ी मुकम्मल है इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला सब दोस्तों को सलामत और खुश रखे, टाइम काफ़ी हो गया, ओके अल्लाह हाफिज़। अब गाड़ी किसी से छुड़ानी नहीं आपने।